विश्व क्षय रोग दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने एनेक्सी भवन के सभागार में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा कि ओपीडी के 5% मरीजों की टीबी जांच अवश्य कराएं और स्वयं भी टीबी मरीजों को गोद लें और समुदाय के सक्षम लोगों को भी टीबी मरीजों को गोद लेने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि इस बीमारी के प्रति भ्रांतियों को दूर करना होगा और मरीज को प्रेरित करना होगा कि वह दवा का कोर्स पूरा करें और टीबी का नोटिफिकेशन अनिवार्य तौर पर किया जाए। सीएमओ ने यह भी कहा कि भारत में युवावस्था तक अधिकतर लोगों में टीबी के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, लेकिन उपचार उन्हीं के लिए जरूरी है जिनमें लक्षण पाए जाते हैं। नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत बीसीजी का टीका प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है, इसलिए टीबी उन्हीं को शिकार बनाती है जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। इसमें डायबिटीज, एचआईवी, क्रॉनिक किडनी डिजीज, प्रेगनेंसी, कैंसर, पोषण की कमी से रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है तथा ऐसा देखा गया है कि एचआईवी से ग्रसित 50% से अधिक मरीज टीबी के कारण ही मरते हैं, क्योंकि एचआईवी एक उत्प्रेरक की तरह काम करता है। एचआईवी मरीजों में टीबी की आशंका बढ़ जाती है और टीबी में भी एचआईवी की आशंका बढ़ जाती है। टीबी की भयावहता को इसी रूप में जाना जा सकता है कि देश में लगभग 3 लाख बच्चे इस बीमारी के कारण हर साल स्कूल जाना छोड़ देते हैं, जबकि 1 लाख महिलाएं घर से निकाल दी जाती हैं और टीबी व्यक्ति की दशा, दिशा और दर्शन को बदल देता है। टीबी के कारण हुए कार्य दिवसों के नुकसान से वर्ष 2016 में भारत की 1% जीडीपी भी प्रभावित हुई। इस अवसर पर जिला अस्पताल के एसआईसी डॉक्टर जयशंकर प्रसाद सिंह, महिला अस्पताल की एसआईसी डॉक्टर नरेंद्र प्रताप श्रीवास्तव, जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर मिश्रा, एसीएमओ डॉक्टर एके चौधरी, डॉक्टर एएन प्रसाद, उप जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर विराट स्वरूप श्रीवास्तव, डीपीएम पंकज आनंद और पीपीएम अभय नारायण मिश्र मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा हम लोग चल रहे थे, फिर अल्टरनेट डे रिजीम जो थी सोमवार बुधवार शुक्रवार जो चलती थी उसमें काफी हम लोग फिर गुनाहगार साबित हुए। अगर हम लोग ईमानदार चौबीस मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस है, विश्व क्षय रोग दिवस की तैयारी के उपलक्ष में आज जो है एक बैठक की गई थी और इस बैठक में सभी ट्यूबरक्लोसिस के कार्य से रिलेटेड जितने भी कर्मी थे, चिकित्सक और कर्मी सभी लोग आए थे, उनको विश्व क्षय रोग दिवस मनाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। और अब की विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर टीबी के मरीजों को गोद लेने के लिए कहा गया है, उसकी भी रूपरेखा तय की गई। बिंदु यही थे कि टीबी का क्षय रोग दिवस मनाना है और इसमें हम लोगों को क्या क्या करना है, इसमें जैसे कि रैली निकाली जानी है, निबंध प्रतियोगिता है, वाद विवाद प्रतियोगिता है, टीबी के मरीजों को गोद लेने के लिए है, टीबी के कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए, इन्हीं बिंदुओं पर विचार किया गया।